The internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again So namaskar dosto i'm dr paramjeet and you're watching doctor education and welcome to another episode today we are going to talk about psoriasis and eczema स्पेसिफिकली के सोरियासिस और एक्जिमा में क्या डिफरेंसेस होते हैं क्या समानताएं होती हैं क्या आपको पता होना चाहिए एक्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा सो इस टॉपिक को अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे कॉमन फाइंडिंग uh, आपको मिलेंगे इसीलिए इनमें डिफरेंस होती है सबके बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन है एक्ज़िमा लेकिन उनको सोर्यासिस भी हो सकता है और <clears throat> ज़्यादातर बच्चों में एक्जिमा होता है सोरियासिस के लेकिन एक परसेंट बच्चों को सोरियासिस के चांसेस होते हैं लाइक आई साइड सो इट इज़ और ये बहुत आसान नहीं होता कि हम ये बता सकें कि बच्चे को एक्जिमा है या सोरियासिस है तो इसमें कई बार कई स्टडीज हुई हैं जिसमें एक्चुअली बच्चों को देखा गया कि ज़्यादातर बच्चों को जिनको एक्चुअली सोरियासिस था उनको पहले एक्जिमा के जैसा ट्रीट किया जा रहा था तो डर्मेटोलॉजिस्ट के एक ओपिनियंस भी इसमें मैटर करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के ट्रेंड आई क्योंकि उनके एक्सपीरियंस होता है उनका ट्रेनिंग होता है इसमें सो दे कैन टेल कि आपके बच्चे को सोरियासिस हो रहा है या एक्जिमा हो रहा है सो so, सोरियासिस है या एक्जिमा है इसके बारे में एक ट्रेंड डर्मेटोलॉजिस्ट आइडिया दे सकता है खुद से बताना बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन सोरियासिस एंड एक्जिमा सी सोरियासिस इज अ वेल डिफाइंड थिक रेड कलर का स्केली पैच पहला वर्ड सुनिए डेफिनेशन का है मतलब यहां से यहां तक है अपने को पता है वेल well डिफाइंड है मोटा होगा मतलब नॉर्मल चमड़ी से मोटा होगा थोड़ा लालिश लाल कलर का होगा और ऐसा लगेगा जैसे चमड़ी के ऊपर कोई चीज स्केली जैसी स्केल है जैसे मच्छी के ऊपर स्केल होते हैं फिश के ऊपर वैसे ये जो बनाते हो ना वैसे स्केली पैच होंगे प्रॉपर वो सूर्यसिस है जो कि ऐसे जगहों पे होंगे जैसे कि कॉमन एरियाज है जैसे एल्बो घुटना और इट इज ऑल्सो कॉमन इन फेस बटक्स स्काल्प हा और आपको ये पैचेस थिक पैचेस दिखेंगे चमड़ी के ऊपर रेडनेस और धीरे धीरे व्हाइटिश भी हो सकते हैं so ये हुआ डिफरेंस आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्जिमा एक्जिमा जो होगा वो होगा जो ये ये जो लाइनिंग होती है जो जो कुक्स होते हैं कुक्स होते हैं आपके एल्बो में यहां पर यहां पर और गुट्टो में वहां ज्यादा कॉमन है एक्जिमा और जो इचिंग की बात करें खुजली की बात करें तो सोरियासिस में खुजली कम होती है कम खुजली होती है सोरियासिस में जबकि एक्जिमा में एक्चुअली बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा खूंखार खुजली होती है याद रखिएगा और इसमें कई सारे और भी डिफरेंसेस हैं जिससे कि डर्मेटोलॉजिस्ट पता कर लेते हैं कि आपको एक्जिमा है कि सोरियासिस है अमाउंट ऑफ इचिंग के बेसिस पे कहाँ पर रैश आ रहा है कहाँ पर पैच आ रहा है उसके बेसिस पे वो कैसा दिख रहा है उसके बेसिस पे और कितने टाइम से है उसके बेसिस पे सो so, यहां पर एक और चीज मायने रखती है समझनी कि एक्चुअली कभी कभी ओवरलैप भी हो सकता है एक्जिमा और सूर्यास जी हाँ किसी को जिसको एक्जीमिया एक्जिमा रहता हो उसको बहुत आसानी से एक्जिमा हो जाएगा किसी भी छोटे से इरिटेशन से एक्जिमा हो जाएगा एक्जिमा इज ए एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द बॉडी वो एक्जिमा हो जाएगा और एक्जिमा वाले पेशेंट को और सूर्यासिस भी हो सकता है इन सम चिल्ड्रन इट इज वेरी वेरी हार्ड टू डिफरेंशिएट कि भाई ये है कि वो है और एक डर्मेटोलॉजिस्ट उसको फिर ऐसा करेगा कि सोरियासी फॉर्म डर्मेटाइटिस ऐसे नाम से डायग्नोस कर देते हैं दिस इज सोरियासी फॉर्म डर्मेटाइटिस मतलब लग रहा है एलर्जिक डेक्सिमा जैसा डर्मेटाइटिस लेकिन ये सोरियाटिक जैसा दिख रहा है तो सोरियाटिक फॉर्म सोरियासी फॉर्म एक्स डर्मेटाइटिस ऐसा नाम का भी एक डायग्नोसिस होता है मतलब के कभी कभी बच्चे को सोरियासिस और डर्मेटाइटिस दोनों हो सकते हैं दोनों में ओवरलैप हो सकता है डर्मेटोलॉजी जनरली आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प कर पाएंगे सो ये डिफरेंस होता है सोरियासिस और डर्मेटाइटिस का याद रखिए सोरियासिस का बेसिस है कि आपके स्किन के ऊपर का जो टॉप मोस्ट लेयर है वो बहुत हाई स्पीड में ग्रो कर रहा है हमने ऑलरेडी सोरियासिस के ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो बना रखा है यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करके आपको वीडियो मिल जाएगा सर्च पार में उसके बाद में का बेसिक है कि कोई भी स्किन इरिटेंट जैसे कि धूप जैसे कि कोई हीट जैसे कि कोई एलर्जी किसी प्रकार का केमिकल किसी प्रकार का कोई ऑर्नामेंट ऐसी चीज आपके स्किन को इरिटेट कर रही है कांस्टेंट इरिटेशन से आपकी स्किन उस एरिया में उसकी जो ग्रोथ स्पीड है वो दो तीन चार पाँच गुना हो जाती है तो बस वो एरिया की स्किन पाइलअप होनी शुरू हो जाती है तो वो थिक होती जाती है थिक होती जाती है थिक होती जाती है बिकॉज वहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है थोड़ी सी खुजली भी हो सकती है बिकॉज वहां पे ग्रोथ ज्यादा है तो ऊपर की डेड स्किन जो है वो स्केली हो जाती है कभी कभी पपड़ी जैसे निकलने लगती है सिल्वर सी दिखने लगती है व्हाइटिश दिखने लगती है ये बेसिक है सोरियासिस का बात करें अगर हम आ, एक्जिमा की तो एक्जिमा में ये डिफरेंस आ जाता है कि एक्जिमा में ऐसा कुछ नहीं होता एक्जिमा इज जस्ट प्योर स्किन इरिटेशन इंफ्लामेशन प्योर स्किन डर्मेटाइटिस डर्मेटाइटिस स्किन का इंफ्लामेशन हो रहा है स्किन को किसी चीज ने इरिटेट कर दिया मान लो किसी ने इवन जैसे मच्छर ने काटा वो भी इरिटेट हो गया वहां पे मच्छर ने काटा खुजली करी डर्मेटाइटिस हो गया कोई डाइपर रैश हो गया बच्चों को बहुत ज्यादा मात्रा में दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डर्मेटाइटिस और या फिर कोई भी एक इरिटेंट हो गया तो एक अजीब तरीब तरीके का रैश आने लग जाएगा बॉडी में छोटे छोटे डॉट्स आएंगे छोटा छोटा लालपन आएगा बहुत ज्यादा खुजली होगी सो so दैट इज अ डर्मेटाइटिस एक्जिमा एक्जिमा का साइन है डर्मेटाइटिस का ये सो so, आपको ये समझना जरूरी है कि कौन सी चीज क्यों हो रही है और बच्चों के अगर हम डर्मेटाइटिस के लिए धूप में जाना बंद करेंगे तो गलत है अगर हम सोरियासिस के लिए सिर्फ क्रीम लगाते रहेंगे तो भी गलत है तो सोरियासिस का जो ट्रीटमेंट है वो आपको ऑब्वियसली दोनों का ट्रीटमेंट एक जगह कॉमन है एंटी इन्फ्लामेटरी एंट, चीजें सो एक बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है और दोनों केसेस में पानी बहुत जरूरी है आपके स्किन के अंदर आपके स्किन के लेयर ना पानी पीना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर स्किन ड्राई होगी एक ड्राई स्किन ज्यादा प्रोन हो जाती है किसी भी प्रकार के डर्मेटाइटिस किसी भी प्रकार के एक्जिमा या स्किन एलर्जिक रिएक्शन के लिए सो एक ड्राई स्किन से आपको बचना बहुत ज़रूरी है और एक्टोपिक डर्मेटाइटिस जैसे कि एक्जिमा होता है उस केस में तो प्राइमरी चीज़ ट्रीटमेंट ही उसका है स्किन मॉइस्चराइज़र मॉइस्चराइजर्स और स्किन केयर रूटीन कि बच्चे को नहलाने के बाद एक तो लिक्विड सोप से नहलाए नहलाने के बाद घस घस के साफ ना करें या बड़ों का भी घस घस के साफ ना करें बस टैप ड्राई करें और बूंदा बांदी रहने पर ही मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि वो मॉइस्चर लॉक कर दे आपका मॉइस्चराइजर सो दैट इज द आइडिया ऑफ प्रिजर्विंग मॉइस्चर इन द स्किन हफ्ते में एक दो बार या तीन बार मालिश करें पूरी बॉडी पे अटोपिक डर्माटाइटिस में स्किन मॉइस्चर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सोरियासिस में भी जब मॉइस्चर होगा तो स्किन ज़्यादा हार्ड नहीं होगी ज़्यादा इरिटेशन नहीं होगी अल्टीमेटली दैट इज़ वन प्रॉब्लम सोरियाटिक में ऑटो इम्यून कंडीशन है इम्यूनिटी इन्फॉर्म्ड है इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व है तो आपको कई बार कुछ सीवियर ट्रीटमेंट लेना पड़ जाता है सोरियासिस के लिए एक्डिमा एक्जिमा के लिए भी आपको इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं कई बार हम स्टीरॉइड क्रीम देते हैं लोकली दोनों के लिए चाहे वो <coughs> सोरियासिस सो हो या एक्जिमा हो कई बार इम्यून सप्रेस करने वाली क्रीम्स देते हैं रात को लगाने के लिए वो भी लेनी पड़ जाती है टेक्रोलिमस जैसी और कई बार एंटी फंगल क्रीम का कॉम्बिनेशन दिया जाता है क्योंकि कभी कभी फंगल इन्फेक्शन का भी शक होता है एक्जिमा के साथ एक्जिमा या एक्जिमा एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है राइट जो किसी भी चीज़ से हो सकता है मान लीजिए किसी का नया साबुन लिया उससे हो सकता है सोप से किसी एनिमल से किसी नए सरफेस पे कोई नई जगह जाने से तो इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट टू मैनेज विदाउट हैविंग द बेसिक्स विदाउट मॉइस्चर इन द स्किन जितना ड्राई स्किन उतना जल्दी एक्जीमा उतनी जल्दी रिएक्शन हो जाएगा याद रखिएगा सो so, एक्जीमा से बचने का रामबाण इलाज है स्किन को जितना मॉइस्ट रख सकते हैं उतना मॉइस्ट रखें ठीक याद रखिए सोरियासिस फेस पे हो सकता है एक्जिमा फेस पे हो सकता है सोरियासिस काल्प में हो सकता है एक्जिमा काल्प में हो सकता है सोरियासिस एक्जिमा दोनों हाथों में हो सकता है और पूरी बॉडी में लेग्स में हो सकता है पूरी बॉडी में भी हो सकता है ये बहुत ज़रूरी है ठीक है और दिस इज़ ऑल अबाउट इट एक्जिमा और सोरियासिस के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करिएगा लाइक ज़रूर करिएगा ताकि आगे लोग इसको और देख पाएं रिकमेंड कर पाएँ एक दूसरे को ठीक है ट्रीटमेंट आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट से लीजिए कुछ सिंपल ओवर द काउंटर स्टीरोयड क्रीम्स ऑलरेडी आती हैं जो ऑलरेडी आपके डॉक्टर ने पहले दिया होगा तो वो आप ट्राई करके देख सकते हो टॉपिकल कॉटिको स्टीरोयड्स आर द मेन लाइन ट्रीटमेंट ऑफ इट टॉपिकल नॉट ओरल राइट सो दैट इज देयर एंड मेक श्योर टू कीप योर स्किन हाइड्रेटेड थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी एंड चेक योर नहाने का वाटर का टी डी एस फॉर दिस बिकॉज ज्यादा टीडीएस वाला पानी आपका स्किन से मॉइस्चर उड़ा ले जाएगा राइट そう。